हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सिंह लग्न वालों का लाइफ पार्टनर कैसा होगा या उनका जीवन साथी कैसा होगा, कैसा होगा उसका रंग रूप, उसका स्वभाव, उसके गुण क्या होंगे, उसके शौक और उसका स्वास्थ्य कैसा होगा। इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। जब भी ऐसे वीडियो अपलोड होंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ आपको सिंह लगन के आधार पर, ना कि सिंह राशि के आधार पर, तो आप इसे लगन के आधार पर ही मान के चलें। और दोस्तों, जिन लोगों को ज्योतिष की थोड़ी बहुत समझ है या उन्हें ज्ञान है या उनको समझ में आती है ग्रह नक्षत्र क्या है, क्या भाव है, क्या कुंडली है, तो वो इजीली समझ सकते हैं। और जिनको समझ में नहीं आता है वो भी वीडियो को अंत तक देखें, उन्हें वो इजीली समझ में आ जाएगा। और जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो इजीली समझ जाएंगे, उन्हें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन सामान्य आदमी भी उतनी जल्दी समझ पाएगा। ये उनके लिए दोस्तों जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बन जाएगा। और जिनकी शादी हो चुकी है वो पहले से भी जानते हैं, उनके सामने वो चीज़ें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, अपने लाइफ पार्टनर में वो चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों, हम उसके रंग रूप की बात करें तो ये आपको बिल्कुल छरहरे बदन के मिलेंगे, मतलब हष्टपुष्ट शरीर मिलेगा, प्रॉपर उसका प्रोपोर्शन करेक्ट मिलेगा, ठीक है। वो पैर की जो पिंडुलियाँ हैं वो भी मछली के आकार की मिलेंगी आपको, ऊपर से मोटी नीचे से पतली, मछली की शेप की, ठीक है। इनकी भी जो आँखें हैं वो सामान्य मिलेंगी, या सामान्य से कह सकते हो कि कम मोटाई वाली मिलेंगी। इनका भी जो नाक है वो लंबा मिलेगा। रंग अक्सर सांवला पाया जाता है, या ये कह सकते हो कि गोरा रंग तो नहीं मिलेगा, उसे थोड़ा हल्का हो सकता है, गेहुआ कह सकते हो, या और थोड़ा हल्का सा ब्लैक कंप्लेक्शन, इस तरह का कलर हो सकता है। और दोस्तों, बाल भी इनके काले मिलते हैं, और ये ज़्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, ठीक है। और दूसरा, इनका जो चेहरा है वो भी आपको ज़्यादा मसल्स वाला मिलेगा, या ये कह सकते हो कि गाल पे जो है फैट थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है, ये कंधे चौड़े होंगे, इस तरह का फिजिक आपको देखने को मिलेगा आपके पार्टनर का। अब दोस्तों, स्वभाव की बात करें हम, तो दोस्तों ज्योतिष में जो 12 राशियां हैं उन राशियों में से मैं बता दूं, ये जो सिंह लग्न वाले हैं इनका जो पार्टनर है वो सबसे बेस्ट पार्टनर कहा जा सकता है। आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, एक आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है और गरीबी में जीवन निकालता है, चाहे बीमारी की वजह से परेशान हो, चाहे पैसे की वजह से परेशान हो, चाहे घर परिवार या शिक्षा या स्वास्थ्य, जो भी हो, वो इंसान पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करता है, परिवार की इज्जत बचाता है, बच्चों को मेहनत करके पढ़ाता लिखाता है, हर बुराई को अपने सर पे लेता है, हर मुसीबत से डट के सामना करता है, ईमानदारी नहीं छोड़ता, निष्ठा नहीं छोड़ता, संस्कारों को नहीं भूलता, परिवार में समाज में रिश्तों को निभाता है, ये वो व्यक्ति है। तो जो आपका पार्टनर है, सिंह लगन वालों को ये शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनका पार्टनर हमेशा ही अच्छा होता है। जिनका भी सिंह लगन है उनका पार्टनर निश्चित रूप से सबसे बेस्ट पार्टनर कहलाता है। ये आपको देखो, इनके अंदर मैंने जो चीज़ें बताई अभी, ये आपको ईमानदार मिलेंगे, न्याय जीवन में इनका मूल सिद्धांत है, वो चाहे परिवार में हो, समाज में हो, दोस्तों में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, न्याय इनके लिए सर्वोपरि है। ये अनजान के लिए भी उतना ही फेवर करेंगे जितना जान पहचान वाले के लिए करेंगे। कभी किसी को गलत ना शिक्षा देंगे, ना उसे हानि पहुंचाएंगे, किसी भी तरह की उसके प्रति अशुभ भावना ये लोग नहीं रखते। तो जो सिंह लगन वाले हैं उनके पार्टनर का ये मान के चलिए, वो अपने परिवार और आपके परिवार के लिए दोनों के लिए शुभ रहते हैं, जी जान से परिवार की सेवा करते हैं, बच्चों की, बुजुर्गों की,
जेठ देवर हो या भाई बहन हो, सभी के बड़ी इज्जत करते हैं और परिवार को बना के चलते हैं, सबके साथ अच्छे संबंध बना के चलते हैं। और दूसरी है, ये जीवन में संघर्ष ज़्यादा करते हैं, इनके बचपन से संघर्ष ज़्यादा करके आए हुए होते हैं और लगभग ये अपने जीवन में संघर्ष ही करते हैं, भले ही स्थिति अच्छी हो या बुरी हो। समृद्ध स्थिति रहती है तो भी ये फिजिकल वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये आराम से नहीं बैठते, ये मेहनत करके खाना पसंद करते हैं। और अगर थोड़ी सी स्थिति सही ना हो तो इस मेहनत की वजह से इनको कुछ बीमारियाँ घेर लेती हैं, वो हार्ट की बीमारियाँ भी हैं, वो बीपी की भी हैं, वो पैरों की भी हैं, वो जॉइंट पेन की भी प्रॉब्लम है, पैरों में स्वेलिंग की दिक्कत भी हो सकती है, या आपकी हड्डियों में, दांतों में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने का परिणाम होगा। दूसरा दोस्तों, आप इनके सामने झूठ मत बोलिए और ना ही आपको झूठ बोलेंगे। इनके साथ सच है वही बताइए, ये उसमें खुश है, वो बुरा है या अच्छा है इसकी परवाह मत करिए, इन्हें सच बताइए, ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। दोस्तों अब हम बात करें कि इनके स्वास्थ्य क्यों नहीं बता दें, कि पैरों की, हार्ट के, बीपी की, किस तरह की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, जॉइंट पेन की, आर्थराइटिस की, इस तरह की दिक्कत रहेगी, स्वेलिंग की पैरों में या दांतों में ये दिक्कत रह सकती है, ठीक है। अब इसके साथ ये किस तरह की, जो भी प्रोफेशन में होंगे, जो आपका पार्टनर है सिंह लगन वालों का, वो किस तरह के प्रोफेशन में या बिजनेस करता हुआ मिलेंगे, या गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे तो किस डिपार्टमेंट में मिलेंगे, ये दोस्तों आप, ये आपको जुडिशरी में मिलेंगे, वो लॉयर भी हो सकते हैं, वो जज भी हो सकते हैं, या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड किसी काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ये मैनेजमेंट में भी हो सकते हैं, मैनेजरियल पोजीशंस पे भी हो सकते हैं, बैंक्स में भी हो सकते हैं, रेलवे में भी हो सकते हैं, और क्लरिकल स्टाफ में ज़्यादा मिलेंगे, या जहाँ पर लेबर इंटेंसिव जॉब्स ज़्यादा होती हैं ये वहाँ पर मिलेंगे, या बड़े स्केल के जो कारखाने हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनमें ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको मिलेंगे अच्छी पोजीशंस पर, टॉप पोजीशन पर, अच्छे कम्युनिकेटर की वजह से, इनकी कम्युनिकेशन अच्छा होता है, बात को स्पष्ट तरीके से रखते हैं। ये आपको मीडिया हाउसेज में मिलेंगे, या आपको जर्नलिज्म में मिलेंगे, या आपको राइटर मिलेंगे, ये, या फिर आपको ये बड़े कंसल्टेंट मिलेंगे, ये इनका शौक होता है और यही इनकी हॉबीज होती है, ये बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं और जो काम लेते हैं उसको मेहनत के साथ पूरा करना पसंद करते हैं, तो इसलिए ये लोग लीड रोल में भी देखे गए हैं टॉप पोजीशंस पर, गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में, और बड़े कारखाने जो हैं मैन्युफैक्चरिंग के, चाहे वो सीमेंट हो या कंस्ट्रक्शन हो या इस तरह की जो हैवी मशीनरीज हैं, इस तरह की जो सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं, उनमें ये लोग अक्सर पाए जाते हैं। अब दोस्तों इनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, या इनका जो एक ड्रॉबैक कह सकते हो, वो ये है कि ये लोग अपने शरीर के प्रति ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं, ये मेहनत करने के चक्कर में शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए इन्हें बीमारियाँ ज़्यादा घेर लेती हैं। और अगली चीज़, इनकी ज़्यादा ईमानदारी और इनका ज़्यादा सीधापन या भोलापन, वो थोड़ा सा परेशान करता है इनको। तो सिंह वालों से ये रिक्वेस्ट है, या मेरी एडवाइस है, कि उनका जो पार्टनर है उसके साथ, उसको बोलिए कोई भी चीज़ है वो उन्हें साफ स्पष्ट बताएं और सलाह करके ही कोई निर्णय लें, और दूसरी चीज़, लोगों की बातों में ना आए और अपने शरीर का ख्याल करें, आप खुद अपने पार्टनर का ख्याल करें, उन्हें अच्छे खाना खिलाएं, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशंस दें, उन्हें फूड सप्लीमेंट्स दें, वो बेहतर रहेगा। और जहाँ तक ये जो आपका पार्टनर की शिक्षा की बात है, ये शिक्षा में ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर तो नहीं पहुँच पाते, लेकिन कई बार देखा गया है ये कुछ अलग ही करते हैं। अलग करते हैं मतलब क्या हुआ, ये स्पेशली इनको एक्सप्लोर करने में कुछ बहुत मज़ा आता है, रिसर्च करने में बहुत मज़ा आता है, तो ये आपको या तो नॉर्मल मिलेंगे, या फिर आपको PhD होल्डर मिलेंगे, या रिसर्च की फील्ड में मिलेंगे, या एक्सप्लोरेशन में मिलेंगे, या ऑयल के सेक्टर में मिलेंगे, बड़े जो कारखाने हैं, तो जहाँ पे कुछ इन्वेंट करना हो, कुछ नई चीज़ बाहर लानी हो, वहाँ पे ये लोग मिलेंगे। चाहे बुक लिख के आप कोई भी नया आइडिया लोगों को देना चाहते हो, या दुनिया को डायरेक्शन देना चाहते हो, ये वहाँ पे आके लीड रोल में काम करते हैं। मतलब ये सामान्य स्तर का काम करते नहीं है,
मतलब ये हुआ, या तो छोटा छोटा ही काम करेंगे या फिर बड़ा ही काम कर जाते हैं। ये है इनका स्पेशल एक विशेष जो गुण है। तो दोस्तों मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने डिटेल में बता दिया आपके लाइफ पार्टनर के बारे में कि वो किस तरह का होगा। अब आप अच्छी तरह आपको अंदाज़ा लग गया होगा और आप क्यूरियसली वेटिंग कर रहे हैं, एक्साइटिंग है, वेट कर रहे हैं अपने न्यू पार्टनर के लिए। तो ये चीज़ें आपको बहुत मददगार होंगी आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।